नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अजय देवगन सर की फिल्म टोटल धमाल के डे 40 की इंडिया के ओवरसीज के कलेक्शन के बारे में, अक्षय कुमार सर की फिल्म केसरी के डे 11 के इंडिया के ओवरसीज के कलेक्शन के बारे में, और इस हफ्ते रिलीज हुई नोटबुक और जंगली फिल्म के डे 3 के इंडिया के ओवरसीज के वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल बॉलीवुड तूफान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमेडी किंग अजय देवगन सर की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने, और इस फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 115 करोड़ बताया जा रहा है, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है। दोस्तों इस फिल्म में लीड रोल में हमें अजय देवगन सर, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख और भी बहुत सारे कॉमेडी कलाकार देखने को मिले हैं। दोस्तों इस फिल्म को रिलीज हुए 5 वीक हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इस फिल्म का टोटल इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है 156 करोड़। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है और इस फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइडली 250 करोड़ का भी आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई नोटबुक फिल्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक रोमांटिक फिल्म है और इस फिल्म में लीड रोल में हमें जहीर इकबाल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि नोटबुक फिल्म का जो बजट है वो 20 करोड़ है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नितिन कक्कर ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉलीवुड के दबंग सलमान खान सर। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, और इस फिल्म को इंडिया में 1000 स्क्रीन में रिलीज़ किया गया है और ओवरसीज़ में 100 स्क्रीन में रिलीज़ किया गया है। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो नोटबुक फिल्म ने पहले दिन इंडिया से 1 करोड़, दूसरे दिन 2 करोड़ और तीसरे दिन भी 2 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ नोटबुक फिल्म का इंडिया का 3 दिन का कलेक्शन होता है 6 करोड़, और इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन जो होता है दोस्तों वो 8 करोड़ होता है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि ये फिल्म अपना बजट रिकवर कर पाती है कि नहीं। अब हम बात करते हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म केसरी के डे 11 के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म बहुत ही बढ़िया चल रही है। ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है। इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार सर के साथ परिणीति चोपड़ा दिखाई दे रही है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराग सिंह ने, जो कि बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी पर आधारित है। दोस्तों केसरी फिल्म का जो बजट है वो 80 करोड़ है। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो केसरी फिल्म ने पहले 8 दिनों में इंडिया से 105 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया है। डे 9 में 4 करोड़ 45 लाख, डे 10 में 5 करोड़ और डे 11 यानी कि आज का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है, 5 करोड़ 10 लाख आ रहा है। इसी के साथ केसरी फिल्म का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है 125 करोड़ और इस फिल्म का इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन होता है 163 करोड़। दोस्तों आपको बता दूं कि केसरी फिल्म ने ओवरसीज में भी बहुत ही बढ़िया होल्ड किया है। तो ओवरसीज़ का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो 22 करोड़ आ रहा है। इसी के साथ केसरी फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 11 दिनों का 186 करोड़, जो कि बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों आपको बता दूं कि केसरी फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विद्युत जामवान की फिल्म जो इस हफ्ते रिलीज हुई है जंगली फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म में लीड रोल में हमें विद्युत जामवान दिखाई दे रहे हैं, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर जग रसल ने। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फिल्म इंडिया में 1100 स्क्रीन में रिलीज हुई है और ओवरसीज में 300 स्क्रीन में। दोस्तों ये फिल्म एक्शन से भरपूर है और ऐसा कहा जा रहा है कि विद्युत जामवान की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म रही है। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जंगली फिल्म ने पहले दिन इंडिया से 3 करोड़ 35 लाख, दूसरे दिन 4 करोड़, तीसरे दिन का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों आज का वो 5 करोड़ आ रहा है। इसी के साथ जंगली फिल्म का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है 3 दिन का 12 करोड़ 35 लाख, जो कि बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन होता है इंडिया का 18 करोड़, और इस फिल्म ने ओवरसीज में भी बहुत ही बढ़िया कलेक्शन पाया है। तो ओवरसीज़ का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो 5 करोड़ आ रहा है। इसी के साथ जंगली फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड 3 दिनों का 23 करोड़। तो दोस्तों ये सभी फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।